नमस्कार, मैं हूं कनिष्क और अर्थ प्रकाश न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है 2 अक्टूबर को सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बैन किया जा रहा है। इससे पहले भी एक डेट निकाली थी जो कि थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी 5 जून को ये प्लास्टिक जो था वो बैन किया गया था, लेकिन उस पर जो है अच्छे खासे रूल्स वो बने नहीं। अब फिर से एक और तरीक निकाली है इन्होंने 2 अक्टूबर, तो देखते हैं कि क्या सोच रखते हैं हमारा जो यूथ है वो क्या सोच रखता है कि ये प्लास्टिक जो है वो बैन होना चाहिए या नहीं। आपका नाम? रजत। प्लास्टिक जो है वो बैन किया जा रहा है, तो इससे फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं? इससे बहुत फायदे हैं जी। एक तो मान लें कि ज़मीन को फ़ायदा होगा, ज़मीन ख़राब होने के, या पशुओं को फ़ायदा होगा, पशु मरा और जलने से बचागा, पोलथीन उससे हवा का नुकसान बचागा, और यूँ अभी जो से पशु खावा थे प्लास्टिक मालिकों बेचारे बेमौत मरा थे, तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर प्लास्टिक बैन होगी तो। नुकसान तो बहुत है, सब नुकसान ही नुकसान है प्लास्टिक के। तो मेन तो प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, तो आप उसे कैसे देखते हैं, ठीक है या गलत है? बिल्कुल 100% सही है जी। ये तो मान लें कि 10-15 साल पहले ही होना चाहिए था प्लास्टिक बैन, क्योंकि सभी कंट्री ने बैन कर रखी है, तो सिर्फ अकेला हमारे देश है जिसने अभी तक बैन नहीं किया है। आपको लगता है कि प्लास्टिक अगर एकदम से बंद कर दिया जाएगा तो लोगों को परेशानी होगी, ऐसा कुछ सामना करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अल्टरनेटिव इतने आ चुके हैं उसके, जूट के बैग आ चुके हैं, और मान लें पब्लिक के बैग तो पूरे अवेयर है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। आकाश है सर। तो प्लास्टिक जो है वो बैन हो रहा है 2 अक्टूबर से, इस पे आपका क्या कहना? हाँ जी सर, एक्चुअली यार आपको पता ही है सर कि प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है सर। जो अपने ये आवारा पशु फिरते हैं वो उसको खा लेते हैं सर, तो उनके गले में फंस जाता है, ठीक है। और दूसरी ये बात है जो माइक्रो प्लास्टिक होता है सर, मान लो अगर आप कोई चीज़ लेते हो प्लास्टिक के डिब्बे में लेते हो या कंटेनर में लेते हो, अगर आप खाते हो ना उसको, तो उस पर माइक्रोव होते हैं प्लास्टिक के, जो छोटे छोटे कण कहते हैं उनको, तो वो आपके अंदर चले जाएंगे और ब्लड पे चिपक जाएंगे सर, तो उससे भी कई बीमारी होती हैं। इसलिए सर जो सरकार ने फैसला लिया है ठीक ही लिया है सर ये। सर प्रॉब्लम क्या आएगी? सर प्रॉब्लम कोई ज़्यादा नहीं आती सर, पता क्या है उसके जैसे मार्केट में और भी कई अल्टरनेट्स होते हैं, जैसे मान लो आप पॉलीथीन बैग में लाते हो यार, उसकी जगह आप यार घर से ले जाओ, कोई थैला ले जाओ उसमें ले आओ, आप जाकर कोई सामान लाना है आपको, यह बात सर। और दूसरा जो है मान लो कहीं गांव में पता क्या होता है सर, प्लास्टिक जो होता है ना उसको वो फेंकते नहीं है, मान लो डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, वो उसको जला देते हैं सर, इससे एयर पोल्यूशन भी होता है सर। यो एट बीमारियाँ फैलावा जी, जल्दी भी नहीं है जी, ना इतनी थार थूड बना जी, और आज तक सारी जगह यूज है जी, पर यो बंद होनी चाहिए जी। तो इससे आपको लगता है कि व्यापारियों को काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा? ना जी, और टाजे टूजे इतने हुआ जी, और जे प्लास और जी थेले उन तो प्लास्टिक जो है वो बैन हो जाएगा। हाँ जी, तो उससे आपको या यूथ को कोई परेशानियाँ जो है वो उठानी पड़ेगी? ना जी ना। ठीक है। आपका नाम? हर्षवर्धन। प्लास्टिक सर बैन होना चाहिए, क्योंकि सिंगल प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बहुत मतलब गलत है। अगर हम प्लास्टिक को अगर मतलब उसका मिसयूज, मतलब सिंगल यूज़ का मतलब ये है कि अगर उसको एक बार यूज़ करेंगे तो उसके बाद वो वेस्ट है, उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम अगर तो रिसाइकल हो प्लास्टिक का तो सही है, पर वैसे टोटली बैन होना चाहिए। नुकसान जैसे पशु हैं, आवारा पशु अगर इसको खाएंगे तो वो मर जाएंगे प्लास्टिक का, और ये कई सालों तक गलता नहीं है, प्रदूषण पोल्यूशन होता है इससे, गंदगी होती है, तो वैसे भी प्लास्टिक अगर ऐसे इकट्ठा पड़ा है कहीं पे वो ऐसे भी देखने में अच्छा नहीं लगता, तो बस यही है। आपका नाम? अंशु। तो जो प्लास्टिक बैन हो रहा है कल से, इस पे आपका क्या विचार है? ठीक है सर, प्लास्टिक बैन होना चाहिए। तो इससे नुकसान क्या क्या होते हैं? अगर ये तो एक तो अगर कोई जानवर खा लेता है तो वो मर जाता है, और ये बाकी पोल्यूशन वगैरह हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब जैसे बैन हो रहा है तो उससे अच्छी चीज़ें क्या आपको लगती हैं होंगी? हाँ ठीक है, प्लास्टिक बैन हो रहा है, फ़ायदा है इसका। तो ये थी सोच हमारे यूथ की कि प्लास्टिक जो है वो बैन होना चाहिए या नहीं। कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ मैं कनिष्क, अर्थ प्रकाश न्यूज। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।